से सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं और मैं भी अभी लाइन पे आ गया हूँ और वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबा मैंने लॉकडाउन के बाद ब्रेक लिया है। ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद काम में सारे के सारे लोग बिजी थे, मैं भी बिजी था, रूटीन थोड़ा सही नहीं चल रहा था, सब मिक्सअप हो गया था लॉकडाउन की वजह से। मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं थी, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का बहुत फर्क था, किस टाइम पे खुलता था, फिर अगेन कर्फ्यू लग जाता था, ये सारी चीज़ें थी। मुझे किसी ने बताया कि ये सब ऐसे ही चलने वाला है, कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला है, तो ऐसे ही चलेगा। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक्सक्यूज़ देते हो कि भाई इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे अपने कंटेंट को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो रीज़न रखो, क्योंकि रीज़न ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ यार, मैं ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से मतलब वीडियो रोक के रखी थी मैंने, और मैं अपलोड नहीं कर रहा था। फिर मैं बोला कि चलो अभी धीरे धीरे, तो मैंने जो पहली वीडियो डाली आप लोगों ने देखा रहेगा, इस वीडियो के 2 वीडियो पहले, तो मैंने शुरुआत उसी से करी कि चलो ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं, कम से कम गैप करके वीडियो तो डाल ही सकते हैं। तो आप पीछे देखो कितने सारे चार्ट मैंने काम को डिवाइड कर रखा है, दिमाग में लेने का काम कोई नहीं है, जो यह है इधर देख लेता हूँ, सुबह जाने से पहले या शाम को आने के बाद मैंने क्या काम प्लान किया था, क्या मेरे मंथली काम है, वीकली काम कंप्लीट हुए कि नहीं, क्योंकि इसीलिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि अपने दिमाग में सब चीज़ें भरो मत, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर नॉलेज, इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं है कि सारी चीज़ें रखेंगे और हमेशा हमको याद रहेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप या तो स्टूडेंट हो या फिर काम करने वाले हो, कोई भी हो, तो अपने काम को डिवाइड करके जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उनको आप वीकली मंथली, मतलब एटलीस्ट मंथली तो रखो ही, और वीकली भी टास्क बनाओ मंडे से सैटरडे के बीच में पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है हर बार पूरा ही होगा, बट इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आप उस काम को लेके सीरियस रहोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने सेटअप कर रखा है। जैसे कि ये आप देख लो, ये मैंने YouTube रिलेटेड मतलब इसको बना के चिपकाया है, और ये भी, ये भी, और ये भी, तो ये तीनों जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा रखा है इलोन मस्क जी का है, तो कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड थोड़ी हिम्मत जागती है, क्योंकि ये सारे लोग नॉर्मल थे और आज अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर हम इनसे 0.1% भी सीखते हैं तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो करो यार, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको हिम्मत देती हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, पहले मेरे पास ऐसा पोस्टेड का पेपर नहीं था, तो मेरे पास जो पेपर था घर में उससे मैंने कट करके लिख के यहाँ पे बहुत सारे अपने प्लान इस अपने दीवार पे पूरे लगाए पड़े हैं। इधर पूरा आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो अपने काम को ऐसे में बांट देता हूँ और मुझे शायद ईजी हो जाता है सब चीज़ों को अचीव करना। हाँ, मैं बहुत देखा हूँ, क्योंकि अपने दिमाग में भर के सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आप लिखना शुरू करो, थोड़ी चीज़ें आपको नॉर्मल लगेंगी, ऐसा नहीं सारी चीज़ें। मैं देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे चिपकाया हूँ, और मैं ये पोस्टेड अभी ले लिया हूँ, थोड़ी कॉस्टली है ये, कितने का लिया था, ये 70 रुपये का है, आपने देखा रहेगा, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, खास करके स्टूडेंट अपने टास्क को मतलब याद रखने के लिए, पूरा करने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मैं अभी इसको यूज करने लगा हूँ, और यहाँ पे अभी देखो मैंने बुक भी बहुत कम कर दिया है, पहले मैंने बहुत सारा भर के रखा था जो मेरे पास ऐसा यूज नहीं करता था, या फिर मैं जिसको पढ़ता नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। ये ऊपर जगह है ना, मैंने इस पे ऊपर मैं सारे के सारे को रख दिया ऊपर, ताकि उसकी ज़रूरत ना आए, तो फिर क्यों चुपके उसको यहाँ पे रखूँ, और ख़राब भी लगता है। तो देखो मैंने पूरे साफ़ सफाई कर दिया है ये पूरा, और ये एक रिंग लाइट फिर से मैंने लिया है, क्योंकि ये भी ख़राब था, वीडियो ना बनने की एक रीज़न मतलब ये भी हो सकता है मेरे लिए। वहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे एक लाइट है, तो ये सारी चीज़ें लाइटें मैंने लगा रखी है वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊँ और आप लोग को बहुत सारी चीज़ बेंगलोर की दिखाऊँ, कुछ नई, कुछ अच्छी बातें जो बेंगलोर के बारे में हैं, कुछ नई जगह हैं। तो आप देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है, हम ऐसे दिखाते रहते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है यार रिंग लाइट के सामने बैठने से, देखिए ना, मतलब ये लाइट और रिंग लाइट इसीलिए फेमस है, लोग रील्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं। सस्ता है, मैंने 400 रुपये का लिया है, और ये स्टैंड जो है पहले से है मेरे पास, जब से मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ,
तब से मेरे पास ये पड़ी है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।